नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। यूपी की जनता ने सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दी, इतनी सारी सीटें दी, इतना भरोसा जताया और अब नए सीएम के सामने चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। चुनौतियों से निपटने के लिए नए सीएम योगी आदित्यनाथ शपथ से पहले ही एक्शन में आ चुके हैं। वो तीन बार डीजीपी, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव से मिल चुके हैं। आज ही कैबिनेट की पहली बैठक भी हो सकती है। यूपी में योगी के सामने क्या चुनौतियां हैं, अब आपको दिखाते हैं। देखिए बहुत ध्यान से। यूपी देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, लिहाजा उसे संभालने और चलाने की जिम्मेदारी भी बड़ी है। राह में कई चुनौतियां हैं। विरासत में मिला पिछड़ापन, गुंडा राज, बेरोजगारी है। यूपी में बीजेपी सरकार की साख सीधे पीएम मोदी से जुड़ी हुई है, इसलिए यूपी में सीएम का ताज भी कांटों के ताज से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की चुनौती है यूपी के सीएम की। पहली चुनौती, गुंडा राज का सफाया करना। मथुरा के राम वृक्ष यादव को ना तो यूपी की जनता भूली है, ना आपके जहन से बात उतरी होगी। सरकारी जमीन पर गुंडों की फौज के वृक्ष की जड़ें लखनऊ तक फैली हुई थी। मंत्री के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करने की हिम्मत यूपी की पुलिस वाले नहीं कर पाते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी में हफ्तों लग जाते हैं। सबसे ज्यादा मर्डर उत्तर प्रदेश में, महिला से अपराध सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, अपहरण फिरौती सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, हिंसक घटनाएं ये भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। अच्छा काम करते हैं तो लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं, लेकिन सपा कांग्रेस का गठबंधन ऐसा है कि वो गायत्री प्रजापति मंत्र बोलते हैं। यूपी के सीएम की दूसरी चुनौती, यूपी बनेगा देश की शान, पहले फैसले से खुश होगा किसान। किसानों की कर्ज माफी यूपी में बहुत बड़ा मुद्दा है। चुनावों में पीएम मोदी ने वादा किया था कि सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। जनता को अब बस उस फैसले का इंतजार है। संकल्प पत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद हम छोटे किसानों की फसल का कर्ज माफ कर देंगे। भाइयों बहनों, यूपी के सीएम की तीसरी चुनौती, भ्रष्टाचार से आजादी। प्रधानमंत्री ने चुनावों में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था। यूपी की जनता से भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का वादा किया था। जनता ने भी पीएम की बात पर यकीन किया और लोगों को उम्मीद है कि पीएम मोदी अब यूपी में भी ईमानदारी का स्वच्छता अभियान छेड़ेंगे। भ्रष्टाचार जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, अब एक प्रकार आपके पास है भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, और वो प्रकार है हराना, सपा बसपा कांग्रेस को हराना। यूपी के सीएम की चौथी चुनौती, भेदभाव मुक्त प्रशासन। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने जनता की दुखती रख की वो नब्ज पकड़ी थी जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा समर्थन मिला। न किसी वर्ग को ज्यादा तरजीह मिले, न किसी कौम को खास माना जाए, सबका साथ सबका विकास का एजेंडा सबसे ऊपर रहेगा। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में श्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण को याद कीजिए जिसमें उन्होंने बहुमत नहीं सर्वमत की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि चुनावों में जीत बहुमत के आधार पर होती है, लेकिन सत्ता की कामयाबी तब मानी जाएगी जब शासन सर्वमत से चले। सरकार बनती है बहुमत से, लेकिन चलती है सर्वमत से, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार
जिन्होंने वोट दिया है उनकी भी है, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी है। यूपी की 17 करोड़ की आबादी ने मोदी के वचन पर भरोसा किया है। अब सीएम को जनादेश का सिर्फ सम्मान ही नहीं करना, वादों को हकीकत में बदलकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाकर दिखाना है। यूपी के सीएम की पांचवी चुनौती, अवैध कत्लखाने बंद होंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आजमगढ़ समेत कई रैलियों में इस बात का ऐलान किया था कि यूपी में सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर सभी अवैध कत्लखानों को बंद किया जाएगा और मशीनी कत्लखानों पर बैन लगाया जाएगा, यानी अब उत्तर प्रदेश में पशुओं का खून नहीं बहेगा। हमने तय किया है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा उसी दिन, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा उसी दिन रात को 12 बजे के पहले एक अध्यादेश लाकर उत्तर प्रदेश के अंदर सारे कत्लखाने बंद कर दिए जाएंगे। यूपी की जनता ने मोदी के चेहरे पर बीजेपी को वोट दिया है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब नए सीएम की चुनौती भी बहुत बड़ी है। 2022 में प्रधानमंत्री का न्यू इंडिया का सपना तभी पूरा होगा जब देश के सबसे बड़े सूबे में मोदी का एजेंडा लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।